बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का पिज्जा ब्रेड डिश और पिज्जा ब्रेड बाइट, जो कि बहुत झटपट बनकर तैयार होते हैं और बेहद मजेदार होते हैं। आप एक दफा बनाएंगे तो फिर इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, जिसके मैंने इतने छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम चिकन मैरिनेशन के तमाम अज्जा शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और ये 2 टेबलस्पून मैंने दही लिया है, ये भी शामिल कर देंगे। अब बहुत अच्छे तरीके से तमाम अज्जा को मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए कोयले दहका लिए थे। अब चिकन पर रखकर इस तरह चंद कतरे कुकिंग ऑयल के डालेंगे। अब इसे कवर कर देते हैं और तकरीबन 15 मिनट ऐसे ही रहने देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, चिकन बारबेक्यू होने के साथ चिकन भी मैरिनेट हो गई है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अच्छा जी, पैन चूल्हे पर रखा है। अब हम क्या करेंगे, मैरिनेटेड चिकन पैन में शामिल करेंगे। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर चिकन को चिकन के अपने ही पानी में मुस्तकिल चमचा चलाते हुए चिकन का पानी खुश्क होने तक पकाएंगे और पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट पका लिया है, आप देख सकते हैं पानी खुश्क हो गया है। अब हम 1 टेबलस्पून चॉप की हुई प्याज और 1 टेबलस्पून चॉप की हुई शिमला मिर्च शामिल करेंगे और तकरीबन 1.5 टेबलस्पून पिज्जा सॉस शामिल करेंगे। पिज्जा सॉस की रेसिपी आप ऊपर आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। अब इन तमाम अज्जा को मीडियम टू लो फ्लेम पर 1 मिनट मजीद फ्राई करेंगे। ये चेडर चीज का एक स्लाइस लिया है, जो कि ऑप्शनल है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे और सिर्फ चेडर चीज के मेल्ट होने तक तमाम अज्जा में मिक्स करते हुए पकाएंगे। ये हमारी बारबेक्यू पिज्जा ब्रेड डिश की फिलिंग तैयार है। अब इसे हम साइड पर रख देते हैं और अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। ये मैंने सैंडविच ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, आप रेगुलर ब्रेड स्लाइसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ब्रेड स्लाइसेस की कटिंग कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब ब्रेड को इस तरह सेंटर से राउंड शेप में कट करेंगे। मैं कट करने के लिए बिस्किट कटर यूज कर रही हूँ। आप स्टील की कटोरी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि जो भी आप कटिंग के लिए यूज कर रहे हैं उसके किनारे थोड़े शार्प हों। तमाम स्लाइसेस की पहले बड़े रिंग से कटिंग कर लेंगे। ब्रेड स्लाइसेस की कटिंग के बाद ब्रेड स्लाइसेस के किनारों को ब्रेड क्रम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, ये एक एक्स्ट्रा है तो इसे मैंने साइड पर रख दिया है। अब इनकी हम रिंग्स में कटिंग करेंगे। अब इस तरह छोटे साइज के कटर से ब्रेड राउंड की मजीद कटिंग करेंगे, इस तरह से रिंग बनाने के लिए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। रिंग बनाने के बाद ये जो पीसेस बचे हैं, इनके हम ब्रेड बाइट पिज्जा बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्रेड रिंग को ब्रेड राउंड के किनारे पर अटैच करने के लिए मायोनेज का इस्तेमाल करेंगे। अब इस तरह मायोनेज को स्प्रेड करेंगे और इस तरीके से ब्रेड रिंग को राउंड ब्रेड के किनारे पर रखेंगे और इस तरह हल्का सा प्रेस करेंगे। ये हमारी ब्रेड डिश बनकर तैयार है। इसी तरह हम तमाम ब्रेड डिश तैयार कर लेंगे। ये हमारी ब्रेड डिश बनकर तैयार है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरह तमाम रिंग ब्रेड के किनारों पर बटर लगाएंगे। बटर लगा लिया है, अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। पैन को लो फ्लेम पर रखा है, जो कि गर्म हो चुका है। अब हम ये रिंग वाली साइड को अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक सेकेंगे। ब्रेड डिश के किनारों पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, अब इन्हें हम निकाल लेते हैं और फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब पैन को थोड़ा ठंडा होने देंगे। इतनी देर में हम डिश के बैक साइड पर बटर लगा लेते हैं। बटर लगा लिया है, अब इस तरह ब्रेड डिश को पैन में रखेंगे। याद रहे कि इस वक्त फ्लेम ऑफ है। अब हम
हम क्या करेंगे, अब हम इस तरह बारबेक्यू चिकन की फिलिंग करेंगे। अब हम श्रेड की हुई मोजरेला चीज हस्बे जरूरत चिकन के ऊपर रखेंगे। चीज पर थोड़े ब्लैक ऑलिव भी अरेंज कर लेते हैं जो कि ऑप्शनल है। अब हम क्या करेंगे, अब बिल्कुल लो फ्लेम ऑन कर लेंगे और पैन को कवर करके तमाम डिश को मोजरेला चीज मेल्ट होने तक पकाएंगे। चीज मेल्ट हो गई है, हमारी पिज्जा डिश बनकर तैयार है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम तमाम पिज्जा ब्रेड डिश तैयार कर लेंगे। अब हम पिज्जा ब्रेड बाइट्स तैयार कर लेते हैं। इस तरह हम ब्रेड के छोटे पीसेस पर बटर लगाएंगे। अब इस तरह बटर वाली साइड को पैन में रखेंगे। इस वक्त फ्लेम ऑफ है। अब इस तरह हम बारबेक्यू चिकन को ब्रेड पीसेस पर रखेंगे। हस्बे जरूरत शेड की हुई मोजरेला चीज रखेंगे। इस पर भी ब्लैक ऑलिव अरेंज कर लेते हैं जो के ऑप्शनल है। अब पैन को कवर करके लो फ्लेम ऑन कर लेते हैं। अब चीज के मेल्ट होने तक ब्रेड पिज्जा बाइट्स को पकाएंगे। चीज मेल्ट हो गई है, ब्रेड पिज्जा बाइट्स बनकर तैयार है। अब इन्हें हम डिश आउट कर लेते हैं। पिज्जा ब्रेड डिश और पिज्जा ब्रेड बाइट्स बनकर तैयार हैं। बड़े मजेदार और क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। आप ही मेरी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हम सब का दस्तरखान हलाल रिस्क से वसीतर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।